हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस दिस। कैसे करेंगे देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय ए प्लस लैम्डा वेयर ए इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग देयर फोर वैक्टर ए इज इक्वल टू I cap plus 2j cap minus 4k cap because given that it passes through point 1 2 minus 4। क्या कह रहा है वो कि हमें क्या गिवन है कि वो 1 2 माइनस 4 से पास कर रही है, वो पास कर रही है तो इसका मतलब जो हमारा ए वेक्टर वो क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और जो वेक्टर इक्वेशन है लाइन की वो क्या है, ए प्लस लैम्डा बी। इट इज ऑल्सो गिवन दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू both the lines given, ठीक है सुन, कि जो ये लाइन है, जो दो लाइन्स हमें दे रखी है, इन दोनों की क्या है वो परपेंडिकुलर है। देयरफोर वेक्टर बी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन लाइन्स। तो जो हमें दो लाइंस दे रखी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। देयरफॉर बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 16 7 3 8 एंड माइनस 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा बी वेक्टर, किसके इक्वल आएगा देखिए, आई के कंपोनेंट छोड़ दीजिए, माइनस 6 8 7 माइनस 5 माइनस जे कैप, जे के कंपोनेंट छोड़ दीजिए, 3 7 3 माइनस 5 प्लस के कंपोनेंट छोड़ दीजिए, 3 माइनस 6 3 8 माइनस 6 इंटू माइनस 5 80 माइनस 56 माइनस जे कैप, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 3 इंटू 7 21 प्लस के कैप, 8 3 24 माइनस 16 इंटू 3